बिल क्या होता है अम्मी? 8 साल के बच्चे ने अपनी अम्मी से पूछा। माँ ने उसे समझाया कि जब हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं या कोई काम करवाते हैं तो वह इस सामान या काम के बदले हमसे पैसे लेता है और हमें उस सामान या काम की लिस्ट बना कर देता है जिसको हम बिल कहते हैं। बच्चे को माँ की बात अच्छी तरह समझ आ गई। रात को सोने से पहले उसने माँ के तकिए के नीचे एक पेपर रखा जिसमें उसने दिन भर का हिसाब लिखा। दुकान से सामान ला के दिया 5 रुपये, बाबा की बाइक साफ की 5 रुपये, दादाजी का सर दबाया और टांगें दबाई 10 रुपये, दादी जान को चाबियाँ ढूंढ के दी 10 रुपये, टोटल 30 रुपये हुए। ये सिर्फ आज का बिल है, उसको आज ही दे दें तो नवाजिश होगी। अगली सुबह जब बच्चा उठा तो बहुत खुश हुआ कि उसके तकिए के नीचे 30 रुपये थे, लेकिन साथ ही एक और पर्चा था जिस पे उसकी माँ ने लिखा, पैदाइश से आज तक पाला पोसा मुआवजा 0, बीमार होने पर सारी रात सीने से लगाया और जागकर खिदमत की मुआवजा 0, स्कूल भेजा होमवर्क करवाया मुआवजा 0, सुबह से रात तक खाना कपड़े सब तैयार करके खिलाया पिलाया पहनाया, इन सब का मुआवजा भी 0। तमाम फरमाइशें पूरी की, हर वक्त बेवक्त की ज़रूरत और हर ख्वाहिश और फरमाइश पूरी की, इन सब का मुआवजा भी 0। ये सिर्फ अब तक का पूरा बिल है, इसकी कीमत जब भी चाहो अदा कर देना। ये पढ़ के बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, सीधा अपनी माँ के कदमों में झुक गया और रोते हुए बोला, आपने तो कीमत लिखी ही नहीं और आपका बिल तो मैं ज़िंदगी भर अदा नहीं कर सकूँगा, मुझे माफ़ कर दें। अम्मी ने हंसते हुए बेटे को गले से लगा लिया।